तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज सोमवार है। सोमवार और मंगलवार को मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। चूँकि यह मनोविज्ञान का प्रथम वीडियो है, यानी प्रथम क्लास है, इसलिए इस प्रथम क्लास में मैं आज आप सभी को बताऊँगा कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएँ हैं। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं और मनोविज्ञान किस विषय से टूट कर बना है। प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं आर्ट सेंटर रोसड़ा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। साथ ही प्रश्न उत्तर करने के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड अवश्य कर लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और प्यारे बच्चों, यदि आपका मन है तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कर दें, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा विषय कौन सा है? मनोविज्ञान। कौन सा? मनोविज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें मनोविज्ञान विषय का, तो शुरुआती दौर में मनोविज्ञान कोई विषय नहीं था। ठीक है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले। कौन सी शताब्दी? तो 19वीं। ठीक है, 19वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता था? तो यह आता था दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत। दर्शन शास्त्र। प्यारे बच्चों, दर्शन शास्त्र को, जो हमारा दर्शन शास्त्र विषय है, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसफी। ठीक है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फिलोसफी। ठीक है, अर्थात मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था। कब हुआ करता था? तो 19वीं शताब्दी से पहले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रश्न आता है कि आखिर मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से कैसे टूट गया और टूट करके एक नया विषय और विज्ञान के रूप में ही ना आया, यह कैसे हुआ? ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यह बात तब की आती है जब एक व्यक्ति थे और उस व्यक्ति का नाम था विलहेम वुंड। क्या नाम था? एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था विलहेम वुंड। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो वुंड है, आप किसी किसी जगह, किसी किसी बुक में उंट भी देखते होंगे, लेकिन शुद्ध इसका नाम क्या है? तो वुंड नाम। ठीक है, तो विलहेम वुंड एक व्यक्ति थे। यह व्यक्ति किस देश के थे? तो प्यारे बच्चों, यह व्यक्ति थे जर्मनी देश के। किस देश के? तो जर्मनी देश के। प्यारे बच्चों, विलहेम वुंड ने फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा पढ़े, काफ़ी मेहनत किए, और विलहेम वुंड फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद विलहेम वुंड्स जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में नियुक्त हो गए। ठीक है, वह नियुक्त होने कब हुए? वह नियुक्त हुए 1875। ठीक है, 1875 ईस्वी में विलहेम वुंड ने जर्मनी के एक विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय का नाम था लिपचिग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 1875 ईस्वी में विलहेम वुंड्स जर्मनी देश के लिपचिग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय, यानी कि यह जो हमारा है दर्शन, ठीक है, दर्शन शास्त्र विषय के क्या बने? तो प्रोफेसर बन गए। ठीक है, ठीक है, तो विलहेम वुंड्स 1875 ईस्वी में जर्मनी देश के लिपचिग विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के क्या बन गए? आपका प्रोफेसर बन गए। प्यारे बच्चों, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं तो उन्हें क्या है ना कहते हैं? तो फिलोसोफर। यानी कि हम कह सकते हैं कि विलहेम वुंड्स हैं कौन थे? तो एक फिलोसोफर थे। ठीक है, और साथ ही साथ यह किस प्रकार, यानी दर्शन शास्त्र में यह किस प्रकार के फिलोसोफर थे? तो यह शरीर क्रिया जो एक सब्जेक्ट होता है, इनके यह विशेषज्ञ थे, मुख्य रूप से विलहेम वुंड्स। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों 1875 ईस्वी में विलहेम वुंड्स लिप्चिंग विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद तकरीबन उन्होंने 4 वर्ष तक शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद इसी विश्वविद्यालय में आपको 1879 ईस्वी में कब तो 1879 ईस्वी में विलहेम वुड्स ने लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का एक है ना क्या खोला तो एक प्रयोगशाला खोला। क्या खोला? प्रयोगशाला। ठीक है, अब यह प्रयोगशाला किसका है ना खोला था तो दर्शन शास्त्र का जो एक भाग था मनोविज्ञान, इसी मनोविज्ञान का स्पेशल प्रयोगशाला खोला गया था। और इस प्रयोगशाला में विलहेम वुंड्स क्या करते थे तो मनुष्यों पर, मनुष्य का जो आपका व्यवहार होता है, अनुभव होता है, उनका प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो जिसके कारण अब यह जो प्रयोगशाला आपका बना, इसी प्रयोगशाला के अंतर्गत जैसे ही बना आपका मनोविज्ञान क्या आया तो मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में सब्जेक्ट है ना आया, और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषय के चुंगल से छुट करके एक नया विषय के रूप में आया। और उस विषय का नाम क्या पड़ गया तो उस विषय का नाम पड़ गया मनोविज्ञान। प्यारे बच्चों, अब तक तो हम लोग देखे कि मनोविज्ञान विषय का किस प्रकार निर्माण हुआ, यानी कि मनोविज्ञान किस प्रकार दर्शन शास्त्र से छूट करके मनोविज्ञान बना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोगशाला कौन है ना खोले थे तो विलहेम वुंड्स ने खोले थे। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान जो हमारा आधुनिक यानी आज का जो मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन कहे ना जाते हैं तो विलहेम वुंड्स। पहले बच्चे कॉपी में आप लोगों ने लिख लीजिएगा, ये जो हमारा है आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता, तो प्यारे बच्चों आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है तो विलहेम वुंड्स को क्या कहा गया तो मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा गया। ठीक है, तो विलहेम वुंड्स किस देश के थे तो जर्मनी के थे। 1875 में लिप्चिंग विश्वविद्यालय के क्या बने थे तो प्रोफेसर, किस सब्जेक्ट का तो दर्शन शास्त्र के बने थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तो हमारा निकला कि किस प्रकार मनोविज्ञान विषय एक विषय के रूप में आया। अब हम देखेंगे कि प्यारे बच्चों आखिर मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान का क्या अर्थ हमारा निकलता है। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। प्यारे बच्चों जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है अंग्रेजी का, यह अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। दूसरा शब्द क्या है? लोगस। ये प्यारे बच्चों यू है। ठीक है, साइकी प्लस लोगस। प्यारे बच्चों साइकी का मतलब होता है मन और आत्मा। ठीक है, जबकि लोगस का मतलब होता है विचार, या यूं कहिए बातचीत करना या अध्ययन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम सर्वप्रथम मन पे आएंगे फिर हम आत्मा पर आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पहले, जैसे ही हम लोग 400 वर्ष पूर्व पहले जाएंगे तो कौन सा शताब्दी है ना चलेगा तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से आपका 16वीं शताब्दी चलेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो आपका साइकी है, साइकी का मतलब क्या आपका निकाला गया था तो साइकी का मतलब निकाला गया था मन। क्या निकाला गया था? तो मन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं
की और लोगोस का मतलब आपका निकाला गया था विचार या कहिए बातचीत, यानी कि हम कह यानी कि हम कह सकते हैं कि मन के विचार को या मन के बातचीत को हम लोग कहना है क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान करते हैं कहते हैं या साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसलिए चूंकि साइकी का मतलब सर्वप्रथम मन निकाला गया था, इसलिए 16वीं शताब्दी में आपको मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, किसका विज्ञान, तो मन का विज्ञान कहा जाता था। कब है ना कहा जाता था, तो यह कहा जाता था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, साइकी का मतलब क्या हुआ, तो मन हुआ, और लोगस का मतलब विचार करना या बातचीत करना। ठीक है, यानी कि हम कह यानी कि प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मन की बातों का अध्ययन करते हैं या मन का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो सबसे पुराना परिभाषा रहा या मतलब रहा वह क्या रहा, कि मन के अध्ययन को ही हम क्या करते हैं, तो मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ कि फिर जो मिस्र के जो लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, यूनान के लोग थे, उन्होंने साइकी का मतलब क्या निकाला, उन्होंने साइकी का मतलब आत्मा निकाला। क्या निकाला, आत्मा। और उन्होंने कहा, क्या कहा, कि साइकोलॉजी क्या है, तो आत्मा का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, इसलिए साइकोलॉजी के अंतर हम लोग क्या करते हैं, तो आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अर्थात साइकोलॉजी किसका विज्ञान है, तो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आता है कि आखिर मन और आत्मा में क्या अंतर है। ठीक है, मन और आत्मा में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम अंतर है दोनों में, कि मन क्या होता है, आत्मा क्या होता है। देखिए, मान के चलते हैं कि आप बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा कि आपको रसगुल्ला नहीं खाना है, जबकि रसगुल्ला आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि जो रसगुल्ला होता है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप बीमार हैं, डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको रसगुल्ला नहीं खाना है, और मैंने आपको एक रसगुल्ला दिया, यानी कि ये रसगुल्ला मैंने आपको दिया। ठीक है, रस से भरा हुआ, आप देखे मुँह में से पानी आ गया, फिर आपका मन कहा कि हम रसगुल्ला खा लेते हैं। क्या कहा, यानी कि मन बोला, मन की रसगुल्ला खा लो, मन क्या बोला कि रसगुल्ला खा लो। तो मन के पास विकल्प आता है कि मन बोला या तो खा लो या तो नहीं खाओ। ठीक है, यदि मन बोला खा लो, आत्मा क्या बोलेगा, आत्मा बोलेगा बेटा खा तो लोगे, बाद में बीमार पड़ जाओगे, बाद में क्या है ना पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, और जब बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हें ना क्या है ना हो जाओगे, तो डॉक्टर सुइया देगा, हो सकता है तुम मर जाओ, है कि नहीं। तो इसलिए जो आपके अंदर से जो बात निकलती है, यानी हृदय से जो बात निकलती है, एक भावना का, ठीक है, एक सच्चाई का, ठीक है, वह आपको क्या कहलाता है, तो आत्मा कहलाता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मैंने कुछ गलत किया, क्या किया, तो कुछ भी चीज़ गलत किया, तो आपका मन करेगा कि मैं इस टीचर को पीटूँ, तो आप मुझे पीट सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका मन बोल रहा है, लेकिन आपका आत्मा बोल रहा है भले यह गलती किए, लेकिन यह टीचर है, गुरु है, यदि हम इसको पीटेंगे तो हमको पाप लिखेगा, क्या लगेगा, तो पाप लिखेगा। यह ऐसा विचार किसके अंतर्गत आया, तो आपके आत्मा के अंतर्गत आया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, यह जो हमारा मन है, वह मन किस पर निर्भर करता है, तो आत्मा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आत्मा। यदि आत्मा की बात करते हैं तो स्वतः मन आ ही जाता है। इसलिए मन के बाद मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा, तो मनोविज्ञान को कहा जाने लगा कि यह क्या है, तो आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा के अध्ययन को ही हम लोग यानी क्या बोलते हैं, तो मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों समय बीता, अब जैसे ही आपका सन 1879 ईस्वी में, ठीक है, 1879 ईस्वी में विल्हेम वुंट ने एक प्रयोगशाला स्थापित किया, मैंने अभी तुरंत बताया था, विल्हेम वुंट ने क्या किया था, तो 1879 में मनोविज्ञान का एक प्रयोगशाला
स्थापित किया था। और इस प्रयोगशाला में विलहेम वुंड से ने क्या करते थे तो मनुष्यों का निरीक्षण करते थे, यानी जांच करते थे, प्रयोग करते थे और मनुष्यों का जो व्यवहार है, अनुभव है, उनका अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप आपका क्या हुआ कि यह इतना लोकप्रिय हो गया कि इस प्रयोगशाला की स्थापना फिर जर्मनी के बाद किस देश में किया गया तो अमेरिका, यानी पहले जर्मनी, फिर आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में यह प्रयोगशाला मनोविज्ञान का बनाया गया और अमेरिका में क्या हुआ कि मनुष्य के साथ साथ आपका उस प्रयोगशाला में जीव जंतु का भी प्रयोग किया जाने लगा, यानी कुत्ता, बिल्ली, चीता उत्ता जो भी रहे, जो भी पालतू रहे, खास करके उनका प्रयोगशाला करने लगा। उनका प्रयोगशाला किस पर, तो व्यवहार पर, उनके लक्षण पे, अनुभव पे। ठीक है, कि आखिर कोई सा भी जंतु है किस प्रकार हिंसा कहना बन जाता है, इन इन सभी पर प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर आधुनिक जो कि नया परिभाषा निकला वह है ना, क्या निकला कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब क्या, चाहे मनुष्य हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो या कोई भी जंतु, जितने भी जीव है उस जीव का अनुभव या कहिए व्यवहार, अनुभव या व्यवहार का अध्ययन ही आपका क्या है, अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान क्या है, अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत किसी भी जीवित प्राणी का हम अनुभव और व्यवहार का क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह किस प्रकार का परिभाषा है ना हो गया, यह हो गया आपका नया परिभाषा यानी आधुनिक परिभाषा। तो अभी के समय में कौन सा परिभाषा है कि मनोविज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों की अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह हमारा मुख्य रूप से बेसिक रहा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।